बड़े दिल का बड़ा खिलाड़ी। वेलकम टू क्रिक साइंस। आज का यह एपिसोड हमारे लिए बहुत ही खास है। आज हमारे चैनल में बैटिंग टिप्स देने ऐसे कोच आ रहे हैं जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जेडसीए एनसीए में भी काफी युवा खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। इन्होंने अपने गृह राज्य राजस्थान में भी काफी बेहतरीन काम किया है, साथ ही साथ कई ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी काफी नाम कमाया। दोस्तों, जब मैंने उन्हें अपने चैनल के बारे में बताया कि हमारे चैनल में आप जैसे काफी युवा खिलाड़ी जुड़े हुए हैं जो छोटे शहरों से आते हैं और जिन्हें क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पाती, तो वह बड़ी खुशी से हमारे चैनल में बैटिंग टिप्स देने को तैयार हो गए। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर प्रशांत याग्निक सर का। हेलो, वेलकम टू द क्रिकेट साइंस। जैसे आप सबको पता है कि मेरा नाम दिशांत याग्निक, मैं और क्रिकेट का एक कोच हूँ। और सब लोग आजकल सेल्फ आइसोलेशन घर पे ही हैं कोरोना वायरस को हराने के लिए। सो क्रिकेट साइंस के लिए एक वीडियो मेरी तरफ से कि हाउ टू प्ले स्विंग बॉल, दैट स्विंग बॉल खेलना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस ये हैं कि एक तो जिस पेस से बॉल आता है और मूवमेंट लेटरल दोनों तरफ होता है आफ्टर पिचिंग, एयर में कोई अलग एंगल से आता है, गिरने के बाद लेटरल मूवमेंट अलग होता है। सो बहुत डिफिकल्ट होता है उस पेस पे जज करना और उस पेस पे बॉल को हैंडल करना। सो ऐसे 6 पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा जिससे स्विंग बॉल खेलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। जो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू नॉट कमिट टू अर्ली। मतलब इस कहने का मतलब है कि आप किसी भी बॉल को रिलीज होने से पहले आप अर्ली कमिट नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये बॉल फोर्थ स्टंप या फिफ्थ स्टंप पे आने वाली है। सो जैसे मैं इस स्टांस में आया और जैसे बॉल के लाइन जैसे स्टार्ट होने वाली और आप कमिट हो गए, सो आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो आपको अलाउ करेगा जब बॉल अगर यहां पे आएगी तो आप अच्छी तरह उसको खेल सकते हैं। लेकिन स्विंग बॉलिंग में 6 मीटर के बाद गिर के अगर वो बॉल अंदर आया तो आप इस एंगल वाली बॉल को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका व्यू ब्लॉक है। सो इसको आप और बैट को आने का पाथ भी नहीं मिलेगा, तो आपके चांसेस है आप एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि स्विंग बॉलिंग अगर आपको खेलनी है, आपको सबसे पहले कमिट नहीं होना है किसी भी एंगल पे। सेकेंड पॉइंट वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको बॉल का अच्छा इंफॉर्मेशन लेना है विद द स्टडी हेड। सो एक बॉल बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है कि किस पेस से वो बॉल आ रहा है, फ्रंट फुट बॉल है, बैक फुट बॉल है, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बॉल है या फिर डिफेंस करने का बॉल है। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी कब? जब आपका हेड स्टडी होगा। अगर आपका हेड हिलता रहेगा तो आपको इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह नहीं मिलेगी। सो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है कि एट द टाइम ऑफ रिलीज आपका हेड आई लेवल एकदम स्टडी होना चाहिए। सो ये याद रखिए कि जितना अच्छा बॉल की रिलीज देखेंगे उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स ये गलती करते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड रो में लेफ्ट हैंडर बताता हूँ कि क्या करते हैं कि कोई भी बॉल जब स्विंग हो रही होती है तो बॉल की तरफ जाते हैं, वो बॉल की तरफ जाते हैं। तो हमेशा मैं साइड से बताता हूँ, जब आप बॉल की तरफ जाते रहेंगे, जब भी ये बैट आपके बॉडी से आगे जाता रहेगा आपका कंट्रोल बैट पे से चला जाएगा, ये हैंग हो जाएगा। तो जब भी एज लगेगा तो आप पीछे आउट हो सकते हैं अगर आप जल्दी कमिट कर दे। तो याद रखिए कि थर्ड पॉइंट, डोंट गो टुवर्ड्स द बॉल, लेट द बॉल कम टुवर्ड्स यू। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि बॉल की तरफ नहीं जाना है, बॉल को आपकी तरफ आने दो, क्योंकि बॉल जब आपकी तरफ आएगी, आपके हेड के अंदर आएगी, हेड के नीचे आएगी, तो आपका कंट्रोल उस बॉल पे होगा। क्योंकि जब आप दूर से बॉल को खेलेंगे तो आपका कंट्रोल नहीं है, आपका बैट लटका हुआ है और आपका हेड भी बॉल के ऊपर नहीं है। सो बॉल अगर आपके बीच में लगेगी तो भी कवर से या पॉइंट के हाथ में जाएगी। सो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट गो टुवर्ड्स द बॉल, लेट द बॉल कम टुवर्ड्स यू। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और चीज भी है, आपको स्विंग बॉल खेलना है, जितना लेट आप खेल सकते हैं उस बॉल को आपको लेट खेलना है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो 3 पॉइंट बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज, और मैं आपको ड्रिल भी बताऊंगा उसको ड्रिल कैसे करनी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रिल भी बताऊंगा। 4 पॉइंट,
बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे रहते हैं, मैं साइड से बताता हूँ, कि वो सिर्फ पैर से जाते हैं बॉल की तरफ फुटवर्क, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि पैर चलाओ, एकेडमी में भी बोलते हैं कोचेस पैर चलाओ, बट बेस्ट तरीका है पैर चलाने का, इफ यू गो विद योर हेड एंड शोल्डर और एल्बो, जिस लाइन पे बॉल पिच हो रही है, मतलब अगर आपके जोन में आएगी और उस लाइन पे आपको जाना है विद द हेड शोल्डर और एल्बो, अपने आप आपका पैर चलेगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसे धक्का मारेगा तो अपने आप मेरा पैर पीछे लैंड होगा, अगर आप जोर से धक्का मारो पीछे से किसी को बोलो तो आपका पैर आपके हेड के नीचे लैंड होगा, क्योंकि वो काउंटर बैलेंस करता है। सो याद रखिए चौथा पॉइंट, गो विद योर हेड एंड शोल्डर, तो आप प्रॉपर अलाइंड होंगे बॉल की तरफ, जैसे अगर बॉल यहां आई गिर के यहां आई, सो गो विद हेड एंड शोल्डर, अपने आप पैर लैंड होगा, मिडल स्टंप पे गो विद हेड एंड शोल्डर, अपने आप बैट आ जाएगा। और एल्बो से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप एल्बो डालेंगे तो बैट हमेशा एल्बो के पीछे होगा, ठीक है, अगर मैं कवर ड्राइवर डालूंगा तो देखिए बैट पीछे, ऑन ड्राइवर डालूंगा तो बैट पीछे। सो चौथा पॉइंट है गो विद द हेड शोल्डर और एल्बो, अपने आप फुटवर्क होएगा। सो पांचवा पॉइंट जो कि सब एलिट क्रिकेटर्स के लिए, एक्चुअली सब एलिट क्रिकेटर्स को पता है और एलिट क्रिकेटर्स सब ये करते भी हैं, मोस्टली जब बहुत ज्यादा स्विंग जब होती है, जब बॉल नहीं होती है, हार्ड होती है और पुरानी होती तो रिवर्स भी होती है, तब भी स्विंग होती है, सो आपको मेजर फोकस एक चीज पे होना चाहिए, वो होना चाहिए टाइमिंग पे। सो बहुत सारे प्लेयर्स क्या बहुत तेज मारने जाते हैं जब, तो वो आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, जब आउट ऑफ आप शेप होते हो तो बॉटम हैंड प्ले में आ जाता है, तो जब आप आउट ऑफ शेप होते हो और बॉटम हैंड प्ले में आ जाता है, तो याद रखिए जब भी बॉटम हैंड आपकी बॉडी से आगे जाएगा वो कभी बैट का प्रेजेंटेशन स्ट्रेट ही रहता है, या तो वो एंगल रखेगा बाहर की तरफ या फिर वो बैट बंद करेगा जो स्क्वायर की तरफ, तो जब भी स्विंग बॉल अंदर की तरफ है तो गैप बन सकता है, और अगर जोर से मारेगा और बैट का प्रेजेंटेशन खुला रहा तो आप स्लिप में आउट हो सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपको स्विंग बॉल खेलना है तो कोशिश करिए कि आप टाइमिंग करें, सिर्फ बॉल को फाड़े नहीं, बॉल को चिड़ना नहीं है, बॉल को आने दें टाइम, क्योंकि बॉल हार्ड होती है तो आप टाइम करेंगे तो भी आपको रन मिलेंगे चार। जो सिक्स पॉइंट है वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये, और जो इतने साल में खेला हूं, मैंने जितने प्लेयर को भी देखा है, जिन बड़ों लोगों से बात भी की है, स्विंगिंग कंडीशन में आप अगर स्ट्रेट अवे बॉल की तरफ जाते हैं, स्टैटिक है, जैसे स्टैटिक है और स्ट्रेट अवे बॉल की तरफ जाते हैं, सो चांसेस है बहुत बार कि आप बॉल पर जल्दी कमिट हो जाए और बॉल की तरफ भागे। सो मेरे हिसाब से अगर आपका इनर्शिया ब्रेक करना है तो यू कैन एड योर ट्रिगर मूवमेंट, जिससे आप अपने सेटअप में खुद को डिले कर सकते हैं बॉल की तरफ नहीं कमिट होने के लिए। सो मेरा मानना यह है कि जो बैक एंड अक्रॉस जो आप करते हैं तो अपने सेटअप में बिजी रहते हैं, आप सेटअप में बैलेंस रहते हैं, आप बॉल की तरफ जल्दी कमिट नहीं होते, फिर जब बॉल आती है फिर हेड एंड शोल्डर से जाते हैं बॉल की तरफ। तो मेरा मानना यह है कि जो भी एलिट क्रिकेटर्स है 19-23 है, इट्स योर पर्सनल चॉइस, जो भी क्रिकेटर्स है अगर आपको स्विंग बॉल खेलने में दिक्कत आ रही है तो यू कैन ट्राई दिस ट्रिगर मूवमेंट, स्पेशली आई प्रेफर दिस बैक एंड अक्रॉस, क्योंकि जब आप बॉल रिलीज के टाइम पे आपने बैक एंड अक्रॉस किया और ये वाला पैर थोड़ा सा पीछा के वेट करता है, अब ये कमिट नहीं करेगा, अब ये सेटअप में बैलेंस्ड है, अभी उस तरफ जाएगा जहां बॉल पिच करेगी, सो आप बॉल को पास खेलने के लिए बेस्ट चांसेस देते हो बॉडी को। सो होपफुली ये 6 पॉइंट आप सबको पसंद आए होंगे, आप कोशिश करेंगे कि ये 6 पॉइंट अगर आप ऐड करें आपकी बैटिंग में, स्विंग बॉलिंग में, तो आपको शायद फायदा हो। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू टू क्रिकेट साइंस। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।